welcome back to Eat Right Diet with Darish and Shreya. And today I'll be telling about how to improve your willpower. सक्सेस अचीव करने के लिए आपकी विल पावर बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए. 3 D's जो मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को रिक्वेस्ट करती हूँ, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन. अगर आप विल पावर किसी भी चीज़ में, पढ़ाई में, या आपको कोई एग्जाम क्लियर करना है, आपको डाइट में वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है, आपको 6 packs बनाने हैं, पॉजिटिव विल पावर एंड 3 D's आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सो आज हम आपको वही बताएंगे कि विल पावर कैसे इम्प्रूव करनी है. नंबर 1 पे है शॉर्ट गोल. आप सबसे पहले जो फर्स्ट वीक स्टेप स्टार्ट करते हैं तो इससे स्टार्ट कीजिए कि आपको सिर्फ ये फॉलो करना है. एक बार शुरू कीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए, बस इतना ही. शॉर्ट गोल में हफ्ते में 0.5 किलो का टारगेट रखो, इससे ज़्यादा नहीं. हाउ टू इम्प्रूव योर विल पावर, नंबर 2, ऑलवेज रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड इट. कुछ भी क्विट करने से पहले ये ज़रूर सोच लेना कि आपने स्टार्ट क्यों किया था. आपको कोलेस्ट्रॉल हाई था, आपको लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम आ रहा था, आपकी हेल्थ ठीक नहीं थी, आपने इसलिए स्टार्ट किया था. हाउ टू इम्प्रूव योर विल पावर, नंबर 3, ऑलवेज बी सराउंडेड विद द पॉजिटिव पीपल. ये बहुत ज़्यादा उस टाइम पे प्रैक्टिकल नहीं हो पाती है बात, जब आपके घर में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो सपोर्ट नहीं करते, या आपके हस्बैंड, या आपके पेरेंट्स, या फिर आपके मदर इन लॉ. सो अगर ऐसी कोई चीज़ है तो आपको इतना स्ट्रांग होना है, इतना स्टैंड लेना है कि आप सबको एक आंसर दे पाएँ, उन्हें बता पाएँ कि ये जो चीज़ें आप कर रहे हैं, अगर आप सैलड्स या फ्रूट्स खा रहे हैं, या आप कुछ ओट्स खा रहे हैं, या कुछ हेल्दी खा रहे हैं, वो हेल्दी है, उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है. इनफैक्ट जो वो खा रहे हैं, परांठा या भटूरा या मैंगो शेक या जो भी चीज़ें हैं, वो अनहेल्दी हैं. उनको कोलेस्ट्रॉल है, उनको डायबिटीज़ है, उनको इतनी सारी बीमारियां हैं. आपको ना वो चीज़ें हो जाए इसलिए आप वो चीज़ें कर रहे हैं. तो आप सबसे पहले जवाब देना सीखिए. और अगर कोई नेगेटिव है आपके आसपास तो प्लीज़ उनके नेगेटिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना. अपने आप को पॉजिटिव रखो, पॉजिटिव थाट्स, और अपने पास कोई मोटिवेटिव फ्रेंड ज़रूर रखिए. हाउ टू इम्प्रूव योर विल पावर, नंबर 4, रिवॉर्ड योरसेल्फ. अगर आपने अपना जो टारगेट था उसमें स्टेप 1 क्लियर किया है, सो ऑलवेज रिवॉर्ड योरसेल्फ विद द प्रोबेबली नाइस ड्रेस या कुछ ऐसा ट्रीट. आप वंस इन अ वीक ज़रूर एक चीट मील, एक साइकोलॉजिकल ईटिंग किया करो. उसमें जो भी आपका मन है, चाहे वो पिज़्ज़ा हो, बर्गर हो, पैटी हो, समोसा हो, कुछ भी जो आपको मन करता है, वो ज़रूर अपने आप को ट्रीट करो. और रिवॉर्ड करना बहुत ही ज़रूरी है. हाउ टू इम्प्रूव योर विल पावर, नंबर 5, सो हमेशा आपके पास एक पार्टनर होना चाहिए जिसके साथ आपको एक्साइटमेंट हो. जैसे आप दिन शुरू होता है तो आप पहले चैलेंज करोगे कि आज मेरा इतना कम हुआ है, तुम्हारा कितना कम हुआ है. सो एक पार्टनर बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी जर्नी में. सो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसमें आपको अपना विल पावर इम्प्रूव करने में बहुत 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 हेल्प मिलेगी. सो और भी किसी और हेल्प के लिए मैं आपके साथ हूँ, मेरी टीम आपके साथ है. एंड ऑलवेज प्लीज़ रिमेंबर, कीप स्माइलिंग.